आप सभी साथियों को प्रणाम। और आज की जो खास अपडेट है अपर प्राइमरी को लेकर है, और अपर प्राइमरी जो सुगंधा एंड फाइव अदर्स के नाम फाइल करवाई गई थी, जिस फाइल पर कुछ दिन पहले फाइलिंग नंबर मिला हुआ था, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, जो 35671/2022 था। आज अपर प्राइमरी पर रिट नंबर मिल चुका है, और जो रिट नंबर संख्या आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर 8397/2022, ठीक है। तो केस रजिस्टर्ड होके रिट नंबर मिल गया 8397+, साथ ही जो इस पर नेक्स्ट फर्स्ट हेयरिंग डेट मिली है वो है 31 मई 2022 को, ठीक। तो जो अपर प्राइमरी के क्वेश्चन, मतलब UPTET अपर प्राइमरी के मामले में कुछ क्वेश्चन पे विवाद था, जिस पर कुछ सुगंधा जी और अन्य लोग काफ़ी परेशान थे कि भाई फाइल होनी चाहिए, जिस पर फाइल करवाई गई है। और यह सुगंधा एंड फाइव अदर्स पे 31 मई को, इस महीने के आखिरी दिन को, अपने केस की सुनवाई है। और जो केस की सुनवाई होने वाली है वो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट हियरिंग डेट, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग डेट एंड नेक्स्ट हियरिंग डेट आपका है 31 मई 2022। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 33, जो अपन जिस कोर्ट में अपना लगा हुआ है वो 33 नंबर कोर्ट में लगा है। उसकी बेंच आईडी, मतलब कोर्ट की जो बेंच आईडी है, वो 5579/27 नंबर पे है। मतलब कि मुझे लग रहा है कि अगर 10 बजे कोर्ट शुरू होता है तो 27 नंबर है, तो 10:30, मतलब 11 बजे से पहले केस को सुन लिया जाएगा। और ये जो 33 नंबर कोर्ट है, ये जो जस्टिस हैं वो मंजू रानी चौहान, ठीक है। तो मंजू रानी चौहान जी की कोर्ट में अपनी केस लगी हुई है, और इस पे सुनवाई होगी। और थोड़ी मेरी आवाज़ भारी जा रही होगी, संभवतः थोड़ा सर्दी जुकाम की तरह हुआ है, इसलिए कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। और केस पर जब भी फर्स्ट हियरिंग 31 मई को होती है अपर प्राइमरी के, तो मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगा वो मितन फर्स्ट हियरिंग पे फाइल एक्सेप्ट ही होती है, और आयोग को नोटिस किया जाता है। जो भी सूचना होगी मैं तत्काल आप लोगों को सूचित कर दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे, जैसे काफ़ी लोग, मैं कल थोड़ा व्यस्त था क्योंकि हमारे यहाँ एक शादी पड़ी हुई है, तो हमारे पटीदार में, तो इसलिए थोड़ी व्यस्तता चल रही है। और मैं पहले भी बता चुका था कि शायद मैं कल अपडेट ना दे पाऊँ, इसलिए मैं कल व्यस्त था, अपडेट नहीं दे पाया कोई भी। और प्राइमरी वालों के लिए भी काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर प्राइमरी में क्या अपडेट है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइमरी पे अभी कोई न्यू अपडेट नहीं है। जो अपडेट था वो सबके सामने मैंने 27 मई को ही लाइव आके सारा डिटेल बता दिया था। जैसे कि आप लोगों को देखना हो तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग, मैं मतलब इस वीडियो के नीचे सेम वही 27 मई की वीडियो मैंने अपलोड करा रखी है, ठीक है। वो लाइव आया था, उसमें सारा डिटेल दिया गया है कि केस क्या था, क्या चल रहा है। और अब प्राइमरी UPTET प्राइमरी पे जो डेट लगी है वो 12 जुलाई लगी है, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लें। क्योंकि देखिए, हर सुबह होते कोई न्यू अपडेट आ भी जाती है, नहीं भी आती है। तो जो अपर सॉरी प्राइमरी में जो डेट लगी है 12 जुलाई, उस डेट पर सुनवाई होगी, और जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा, ठीक है। और मैंने ये बोला हुआ था कि क्रिस्मर कैनन को लेके मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आके किसी दिन इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे। तो मैं लाइव देखता हूँ आज शाम या कल सुबह, मैं मतलब जब भी समय मिलेगा मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। और पूरा डिटेल आके आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा, बता दूँगा कि क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या नहीं है, ठीक। अब फिलहाल अपर प्राइमरी का ये इस मामले पर 31 मई को सुनवाई है, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। 27 नंबर सीरियल नंबर पे है, जल्द ही इस पर सुनवाई होगी, ठीक। और आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और प्लीज़ जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तत्काल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं सर आप वीडियो डालते हैं तो हमें पता नहीं चलता। भाई जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो बेल आइकन है उसे आप दबाएंगे, ऑल पे कर दीजिए, तभी तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और जिन्होंने दबा रखा उनके यहाँ नोटिफिकेशन जाता भी है, तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन दबा लें और जो भी साथी हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि यह वीडियो अन्य बंधुओं तक भी पहुंच सके यह सूचना, ठीक है। और जो भी डेट नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगी और जो भी ऑर्डर अपलोड होगा 31 मई को मैं आप लोगों को अपडेट करा दूँगा। फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और आप लोगों को जो भी दिखना है इसमें स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।